वेलकम गाइज, जेकलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, सो ये देखिए, आप जैसे देख सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, और आपके एंट्रेंस एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, ऐसे में आपको तैयारी और बेटर बनाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, अदरक में वानस्पतिक प्रजनन के द्वारा होता है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर टेक प्लस बाय, बताइए किसके थ्रू होता है अदरक में प्रजनन, वुलविल, राइजोम, ऑफसेट या फिर लीवर्स। हिंदी में भी आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, बता दो, किसी एक पर टिक लगा दो आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। तो आपने लगा दिया होगा टिक वैसे बेसिकली, तो चेक नाउ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन टू। ठीक है, जिन जिन का सही था बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइजोम। ठीक है, राइजोम के थ्रू होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा फल असत्य फल है, इन द फ्लोइंग विच फ्रूट इज फॉल्स फ्रूट, बताइए, इन द फ्लोइंग विच फ्रूट इज फॉल्स फ्रूट, मक्का, आम, सेव, टमाटर, बताइए। आपने पढ़ा होगा असत्य फल तो गाइस 12th में, लगा दो टिक, लगा दिया, चेक नाउ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थ्री, एप्पल। ठीक है, ये एक असत्य फल है, पाल्स फ्रूट है, पता नहीं है तो पता कर लो गाइस, ये मैंने आपको बता दिया है, एंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, और जिन जिन का सही था बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सजीव में कोशिका भित्ति का पूर्णतया अभाव होता है, निम्न में से किस सजीव में कोशिका भित्ति का पूर्णतया अभाव होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक ऑफ द सेल वॉल, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नॉन स्टॉक, माइकोप्लाज्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है, चांसेस है। आई थिंक आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका भी है, याद नहीं है तो लिख सकते हो, सबसे छोटी कोशिका भी यही है, और ये माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है। ठीक है ना, और इसमें पूर्णतया कोशिका भित्ति का अभाव भी होता है, ये छोटा मोटा नहीं है माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। नेचर पहला है कि ये सबसे छोटी कोशिका है, अगला है कि ये इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, अगला है कि ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है। ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं गाइज। नेक्स्ट है आपका, कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया आपका, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, और इंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि DLT का होता है ना, वेटनरी का होता है, नीट का होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, सभी देख लिया होगा आपने, पैटर्न तो सेम रहता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन बनेगा करोड़पति वाला। ठीक है, निम्न में से कौन सा कवक सरसों पर परोपजीवी है, निम्न में से कौन सा कवक यानी कि फंजाई सरसों पर परोपजीवी है, विच ऑफ विच इज द पैरासाइटिक फंगाई ऑफ मस्टर्ड, ईस्ट, पेनिसिलिन, राइजोपस, एल्वुगो, बता दो गाइज इसका राइट ऑप्शन, टिक लगा दो, गलती सही बट टिक लगाओ, टिक लगाना सीखो, तुक्का मारना सीखो, क्या पता सही हो, लगा दिया तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर, एल्बो को, गलत है तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, सिंपल सी बात है, ये पनिशमेंट है आपकी। और इंट्रेंस एग्ज़ाम देखो, फ़ायदा भी आपका होगा, 2 बार देखो 10 बार देखो वीडियो का आपका फ़ायदा होगा, इंट्रेंस आपका क्लियर होगा, कंपटीशन फाइट आपका होगा, सिलेक्शन आपका होगा, अच्छी जॉब आपको मिलेगी, अच्छी लाइफ आपको मिलेगी, अच्छा फ्लैट आपको मिलेगा, अच्छी गाड़ी आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो आपका फ़ायदा, वीडियो अच्छे देखोगे, अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है ना, और साथ में इज्जत यानी कि रेपुटेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है ना, आपको पता है कि विलेज लाइफ यानी कि गाँव में तो आपको पता है कोई भी जॉब लग जाए तो उसकी रेस्पेक्ट इतनी होती है पूछो मत। ठीक है, हर जगह देख लो, सिटीज़ में, गाँव में, हर जगह वैल्यू होती है। ठीक है, पढ़ने वालों की, अच्छे से पढ़ो, रटना नहीं है, समझना है। अगला क्वेश्चन है आपका, टमाटर में बीजांड
न्यास का प्रकार कैसा है? इन टमेटो प्लेसेंटेशन इज ऑफ विच टाइप? एक्सियल, पैरेटल यानी कि भित्तीय, बोसल आधार लिंग या फिर प्री सेंट्रल मुक्त स्तंभीय। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल करा दे, ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं और हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों को दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन चेक नाउ। वन, एक्सिस एक्सिल यानी कि टमाटर में किस प्रकार का पाया जाता है? अक्षीय बीजाणु विन्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। विभाजोत्तक जो परिपक्व ऊतकों के बीच होती है वह कहलाती है? विभाजोत्तक जो परिपक्व ऊतकों के बीच होती है वह कहलाती है आंतरवृष्टि विभाजोत्तक यानी कि इंटरकैलुलरी और एपिकल मेरिस्टम, अग्रस्त विभाजोत्तक या फिर पार्शियल यानी कि लेटरल मेरिस्टम या फिर सेकेंडरी मेरिस्टम द्वितीयक विभाजोत्तक, ठीक है, मेरिस्टम यानी कि विभाजोत्तक। तो बता दो गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। परिपक्व ऊतकों के बीच होती है, बिटवीन मैच्योर टिश्यू, इस कॉल्ड इज, क्या बोलते हैं उसको? टिक लगा दिया आपने किसी एक पर? ये चार ऑप्शन आपके सामने ये वाले लगा दो किसी एक पर। लगा दिया, चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। जिन्होंने फर्स्ट पर लगाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एपिकल इंट्रा कैपिलरी, ठीक है, अंतर्विष्ट विभाजोत्तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका, छाय की पत्ती में कौन सी सरल अस्थाई ऊतक होती है? छाय की पत्ती में प्रेनिकाइमा यानी कि मृदुतक, कोलेनिकाइमा यानी कि स्थूलकोणातक और स्क्लेरॉइड यानी कि कड़क और याद लास्ट हमारा स्क्लेरेंकाइमा फाइबर। हिंदी में समझ में नहीं आता है, ऊटपटांग से नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोडेन, स्क्लेरन फाइबर, सब कुछ इंग्लिश में अच्छा खासा दिया हुआ है। तो आपके एग्जाम में भी इंग्लिश लैंग्वेज दी होती है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हिंदी में देखो कुछ समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो, ठीक है। तो बता दो चाय की पत्ती में कौन सा सरल अस्थाई ऊतक होते हैं? इन द लीव ऑफ ट्री ऑफ टी विच सिंपल परमानेंटल टिश्यू इन प्रेजेंट, सरल अस्थाई ऊतक। आई होप आपने चूज कर लिया होगा वन ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड यानी कि स्क्लेरॉइड कड़क, ठीक है, ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी संरचना पेरिड्रम कहलाती है? कौन सी संरचना पेरिड्रम कहलाती है? Which structure is called peridrum? Plogen या cork? यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। फेलम या cork या फिर फेलोड्रम या बाइवल्व, प्लोजन, फेलम एवं फेलोड्रम, तीनों बता दो peridrum कहलाती है। किसी एक पर टिक लगा दो जो आपको सही आंसर लग रहा हो, सही हो या गलत हो, बट आपको टिक लगाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। लगा दिया, चेक ना, उसका राइट ऑप्शन जगह फोर। जिन्होंने सही पर टिक लगाया बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका गलत है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितनी गहराई में हो। फेलोजन, फेलम और फेलोड्रम, ठीक है, ये तीनों, इसका राइट ऑप्शन फोर हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसमें अधिक संख्या में वनस्पतियों का परीक्षण किया और किसने अधिक संख्या में वनस्पतियों का परीक्षण किया और बताया कि विभिन्न कोशिकाएं वनस्पति ऊतक बनाती है? एंटोन वॉक, ल्यूहन वॉक, मिथ्याज, स्लाइडेन, रॉबर्ट ब्राउन, थियोडोर स्वान। राइट ऑप्शन टू हो जाएगा, मिथ्याज, हमारा जो स्लाइडेन है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रोटीन संपूर्ण जीव आवरण में सबसे अधिक है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन संपूर्ण जीवावरण में सबसे अधिक है? विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वॉल ऑफ द बायोस्फीयर?
बता दिए। संपूर्ण जीवाणु में सबसे अधिक के एक्टिन, मायोसिन, रूबिस्को, ट्रोपोमायोसिन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रूबिस्को, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला सबसे ज़्यादा है गाइस जीवावरण में, रूबिस्को। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। समसूत्री विभाजन की साइटोकाइनेसिस में कौन सी अंगिका दो कोशिका में बढ़ती है? ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस ऑफ द माइटोसिस विच ऑर्गेनेल्स इज डिवाइडेड इन द इंटू टू सेल्स? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, पोरेंस प्रोटीन है जो निम्न में से किस संरचना को बाह्य झिल्ली से में बड़े जड़ बनाती है? पोरेंस प्रोटीन है जो निम्न में से किस संरचना की बाह्य झिल्ली में बड़े छिड़ बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रोटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रान, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। सो गाइज आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, C3 पौधों में प्राथमिक CO2 ग्राहक एवं प्राथमिक CO2 उत्पादक क्रमशः क्या है? ये आपके सामने दिए हुए हैं ऑप्शन, RUBPPP और PGA BBB, RUBP। इसका राइट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान एक NADH के अणु एवं एक FADH2 के अणु के ऑक्सीडेशन में कितने ATP बनते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 6 ATP, 4 ATP, 10 ATP, 5 ATP। बता दो गाइज इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि 5 ATP, ठीक है। तो 5 ATP बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राइपैम्पटिन का श्वसन भागफल होता है? RQ ऑफ ट्राइपैम्पटिन, ट्राइपैम्पटिन का श्वसन भागफल होता है 0.9, 0.7, 1.02। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन 2, यानी कि 0.7, ठीक है। ये होता है RQ, और RQ सबका पता होना चाहिए गाइज आपको, RQ, ठीक है। अगला है आपका, कौन सा वर्दी नियामक बीज के अंकुरण का अवरोध करता है? विच ग्रोथ रेगुलेटर इनहिबिट द सीड्स जर्मिनेशन? कौन सा पादप हार्मोन है जो वर्दी को रोकता है? एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, साइटोकाइनिन या फिर जिब्रेलिन? ये सब पादप हार्मोन है गाइज, इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था मैंने पादप हार्मोन के ऊपर, जिन्होंने देख लिया वो तो 100% सही करेगा इसको। और ऐसे क्वेश्चन देखो बन गए ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज, टिक लगा दो पहले तो आप, लगा दिया। एक रफ कॉपी लेके बैठा करो गाइज, उसमें लगाया करो टिक, फिर एनालिसिस किया करो कि कितने सही थे कितने गलत है, और ऐसे स्टूडेंट आगे जाते हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा, क्या बहुत ही ज़्यादा हो गया है। आपके कंप्यूटर आगे निकल जाएंगे और थोड़ी सी भी वो आड़ मेहनत कर लेंगे ना। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये होता है वर्दी नियामक, ग्रोथ रेगुलेटर इनहिबिट। नेक्स्ट है आपका, कौन से बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द नाइट्रेट इंटू नाइट्रेट? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकॉकस, स्यूडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। बता दो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा सकता है आपसे, टिक लगा दिया। कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का आपको नाम को चूज करना है यहाँ पे, जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है।
ऑक्सीडाइज करता है। आई होप आपने लगा दिया होगा टिक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पास्ट यानी कि नाइट्रोबैक्टर, यानी कि उन्हीं के नाम से रिलेटेड है नाइट्रोबैक्टर, ये करता है ऑक्सीडाइज नाइट्राइट को नाइट्रेट में, ठीक है ना, याद रह जाएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके मोबाइल में ऑप्शन है स्क्रीनशॉट लेने का, अगर नहीं लेना चाहते तो आप लिख सकते हो, लिखना भी नहीं चाहते तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, वैसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। हेडफोन लगा के देखा करो ताकि आपको बाहर की आवाज़ें ना आए। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना होगा। तिल चट्टे में उत्सर्जन के लिए मेलपिगी नलिका के अलावा कौन से अन्य संरचनाएं उत्सर्जन के लिए होती है? तिल चट्टे में उत्सर्जन के लिए, ये तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, इन कॉकरोच फॉर एक्सक्रेशन बेसाइड मेलपिगिन ट्यूब विच अदर स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रेशन, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, यानी कि मेलपिगिन नलिका के अलावा कौन सी अन्य संरचनाएं उत्सर्जन के लिए होती है? नेपोसाइट, सिका कोशिकाएं और हरित कोशिकाएं, यूरोकोस ग्रंथियां, हरित ग्रंथियां और वसाकाएं, यूरोकोस ग्रंथियां, वसाकाएं, नेप्रोसाइट, उत्सर्जिकाएं, हरित ग्रंथियां, नेप्रोसाइट, बता दो। अब 4 ऑप्शन हो चुके, आपको किसी वन पर टिक लगाना है, फर्स्ट पे लगाओ, सेकंड पे लगाओ, किसी एक पर आपको टिक लगाना है। लगा दिया, गलत हो सही हो तो बाद में पता चलेगा, बट टिक लगाओ पहले आप। लगा दिया तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3rd, ठीक है, यानी कि यूरोकोस ग्रंथियां, वसाकाएं और नेप्रोसाइट होती है, ठीक। चलते आगे, एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइज, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए इस लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में, क्योंकि अभी कोचिंग सेंटर बंद है, स्कूलें बंद है, तो आपका कोचिंग सेंटर बंद है तो कहाँ से तैयारी करोगे? तो मैं जितना हो सके यहाँ पर तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपके एंट्रेंस की, कंपटीशन की। मानव के शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ द बॉडी इन ह्यूमन? लीवर, पैनक्रियाज, सबलिंगुअल ग्लैंड या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड? सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि, टिक लगा दिया, चेक ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1st यानी कि लीवर, ठीक है। और गाइज आपसे इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी, यानी कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्रंथि कौन सी है, एक्सोक्राइन, तो आपको क्या बताना है? सिंपल, थायराइड, थायराइड हमारी एक्सोक्राइन है क्या? नहीं, एंडोक्राइन है, ठीक है। कंफ्यूज, देखो कंफ्यूज जानबूझ के मैंने आपको कंफ्यूज किया है, एंडोक्राइन की बात कहे तो आपको थायराइड बताना है, और एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्त्रावी तो लीवर पर टिक करना है क्योंकि ये बहिस्त्रावी है, ये हमारी एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन की पूछे तो आपको थायराइड बताना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया था, जो हो गए होंगे तो आप लगा सकते हो और जो कंफ्यूज नहीं हो समझो वो इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, फ्लोइंग नॉट प्रेजेंट इन द सलाइवा, एमाइलेज, 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 प्रोटीज, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या प्रेजेंट नहीं होता सलाइवा में? सिंपल, एमाइलेज, ठीक है, होता है वो, यानी कि एमाइलेज, ये इनका कहना है कि, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन सलाइवा में, क्या प्रेजेंट नहीं होता? सो सबको पता है कि प्रोटीज नहीं होता, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, एमाइलेज भी होता है और लाइसोजाइम भी होते हैं, प्रोटीज नहीं होते, ठीक है, तो ये हमारा टिक हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानव में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? मानव में एक्सपायरेटरी रिजर्व यानी कि ERV कितना है? ERV, IRV ये तो पता होगा ना आपको, RV, TV है ना, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू तो आपके सामने ऑप्शन है 6000 से 8000, 1000 से 1100 ml, 1100 से 1200 ml, 2500 से 3000, तो आपको सही पे टिक लगाना है गाइस, क्वेश्चन आ सकता है, चांसेज है, फुल चांस। लगा दिया टिक, ERV कितना होता है, 11th NCERT बुक बायोलॉजी, याद आ गया कुछ, पढ़ा होगा तो याद आएगा ना।
अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, टाइम है अभी तो। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। 1000 से 1100 ml ERV होता है, ठीक है, वैल्यू 1000 से 1100 ml। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस। एक स्वच्छ व्यक्ति के रुधिर में प्रति 100 ml कितना हीमोग्लोबिन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। एक व्यक्ति के रुधिर में जो 100 ml जो ब्लड होता है उसमें कितना हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल? जैसे 8 ग्राम, 20 से 21 ग्राम, 8 से 9 ग्राम, 12 से 16, तो सिंपल सी बात है 12 से 16 ग्राम होता है। ऑप्शन 4 हमारा राइट है। ठीक है, पता है? पता नहीं है तो कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया है 12 से 16 नॉर्मल होता है। ठीक है, चलते आगे की ओर, थोड़ा सा एडजस्ट हो गया ये। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और 12 से 16 ग्राम इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। रुधिर थक्का जमने के दौरान निष्क्रिय फाइब्रिनोजन किस एंजाइम की उपस्थिति में फाइब्रिन में बदलता है? रुधिर थक्का जमने के दौरान निष्क्रिय फाइब्रिनोजन किस एंजाइम की उपस्थिति में फाइब्रिन में बदलता है? यानी कि ब्लड क्लोटिंग की सारी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, कौन सा तत्व इसमें हेल्प होता है, कौन सा एंजाइम इसमें हेल्प करता है? रुधिर थक्का जमने के दौरान निष्क्रिय फाइब्रिनोजन किस एंजाइम की उपस्थिति में फाइब्रिन में बदलता है? तो थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बिन, एमाइलेज, आइसोमरेज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, टिक लगा दो पहले तो आप, लगा दिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, थ्रोम्बिन। ठीक है, टिक नहीं लगाते हो तो अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो आप। अगला क्वेश्चन है, एक ही ओर के आलिंद और नीले मोटी पेशी ऊतक से अलग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आपको तो पता है कि आपके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। तो ये बोल रहा है कि एक ही ओर के आलिंद और नीले, ये आलिंद मान सकते हो, ये नीले। ठीक है, एक ही ओर के आलिंद और नीले एक मोटी पेशी अलग होते हैं, यानी कि इसकी बात कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बता दो। आंतर आलिंद पट्ट, इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, एंट्रो वेंट्रिकुलर सेप्टम, या फिर वेंट्रो एंट्रिकुलर सेप्टम। टिक सही लगाना है गाइज, क्योंकि ये तो आपके 12th का 11th में पढ़ चुके हो, गलत नहीं होनी चाहिए। सो गाइज, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि हमारा आलिंद नीले पटल। ठीक है, यानी कि एंट्रो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि एक और तो आपको पता है कि हमारे सामने क्या था, आलिंद था, तो इसका तो एंट्री हो गया, और एक तरफ नीले था तो इसका वेंट्रिकल हो गया, और सेप्टम, ये सेप्टम, तो एंट्रो वेंट्रिकुलर सेप्टम। शब्द में इसी पावा सारा ज्ञान। चलते आगे की ओर, रटने का तो काम ही नहीं है आपके बायो में। निम्न में से कौन सा उत्सर्जन द्रव्य सबसे कम पानी का उत्सर्जन करता है? यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन, बताइए। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सक्रेटरी सबस्टांस एक्सक्रेन मिनिमम लॉस ऑफ वाटर? टिक लगा दिया, चेक ना, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड सबसे कम पानी का उत्सर्जन करता है। चलते आगे की ओर, अगला क्वेश्चन है, औसतन वक्र द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर बनता है? औसतन वक्र द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर बनता है गाइज? ऑन एन एवरेज हाउ मच ब्लड इन फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट? 110 से 120, 1100 से 1200 ml, या फिर 1100 से 1200 ml। ये तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, 800 से 900, यानी कि किडनी द्वारा प्रति मिनट में कितना रुधिर बनता है, फिल्टर होता है, छनता है। ठीक है, सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, 1100 से 1200 ml। ठीक है, इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आज के तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए गाइस इस लॉकडाउन में। निम्न में से शरीर में किस सीधे से बिल्कुल भी हलन चलन नहीं, किस संधि से बिल्कुल भी हलन चलन नहीं होती? विच जॉइंट इन द बॉडी डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट? गियर एवं वाल्व संधि, कार्टिलेज जॉइंट, हिंज जॉइंट,
फाइब्रस जॉइंट बताइए, निम्न में से शरीर में किस जॉइंट में बिल्कुल भी हलचल नहीं होती, बताइए ये सब जॉइंट के टाइप दे दें, किस में हलचल नहीं होती है, नॉट एलो एनी मोमेंट, टिक लगा दिया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर, यानी कि फाइब्रस जॉइंट में, ठीक है चलते आगे को। किस कंकाल तंत्र की अनियमितता में यूरिक एसिड के सेप्टिकों के जमा होने के कारण जोड़ों में सूजन आती है, अर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर टिटेनी, सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन टू, गाउट, ठीक है गाउट डिजीज 11th में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तो वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंतु में विश्रामी अवस्था की पटल के आर पार आयनों की सांद्रता को सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा आयनों के सक्रियण का संतुलन रखा जाता है जिसमें वन होता है, तो आपके सामने ऑप्शन है 3 सोडियम आयन बाहर की ओर जाने पर 2 पोटेशियम आयन कोशिका के अंदर आते, 2 सोडियम आयन बाहर की ओर जाने पर 3 पोटेशियम आयन कोशिका के अंदर आते, 3 पोटेशियम आयन बाहर की ओर जाने पर 2 सोडियम आयन अंदर की ओर आते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, 2 पोटेशियम आयन बाहर और जाने पर 3 जो सोडियम आयन कोशिका के अंदर आते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, ये आपके 11th की NCERT बुक से लिया गया है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा अंतस्राव टी लसिकाणु के विभेदन में महत्व का कार्य करता है, गाइस वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलके और अच्छे वीडियो आपको मिल सके रोजाना, तो ऑप्शन है कौन सा अंतस्त्राव टी लसिकाणों के विभेदन में महत्व का कार्य करता है, विच हार्मोन प्ले मेजर रोल इन द डिफरेंटिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइड, पैराथायरॉयड, थायरोकैल्सिटोन या फिर थायरॉयड अंतस्त्राव या फिर थायमोसिन, वन पे टिक लगा लो, सोच समझ के लगा लिया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 थायमोसिन, ठीक है यानी कि थायमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच हार्मोन इज नॉट स्टेरॉयड, निम्न में से कौन सा अंतस्त्राव स्टेरॉयड प्रकार का नहीं है, कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, नॉन एड्रेनलिन या फिर एंड्रोजन, स्टेरॉयड नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा स्टेरॉयड है, ठीक है टिक लगा लिया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3rd यानी कि नॉन एड्रेनलिन हमारा स्टेरॉयड नहीं है, बाकी सब स्टेरॉयड है। ठीक है नेक्स्ट है आपका, स्त्रियों के नई मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली को क्या कहा जाता है, नेव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रेप्सल देयर कॉल्ड, प्रोजेस्टेरोन, सेली, सब आपके NCERT से क्वेश्चन बनते हैं गाइस, मैं आपको बता दूँ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो उसका नाम आपको बताना है, गोली को क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस गोली को, उस टेबलेट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सहेली। ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोजेस्टेरोन अंतस्त्राव से यानी कि द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सिग्रेट फ्रॉम, किसे सिग्रेट होता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन का सिग्रेशन किसके थ्रू होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम भी इसको कर लेते ताकि आपको अच्छा सा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे गाइज को, हमारे स्टूडेंट को, प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा सिग्रेट होता है, सिग्रेशन होता है, कार्पस लूटियम, ग्राफिन फुटिका या फिर ओवरिन फॉलिकल या फिर यूट्रस, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिग्रेशन किसके थ्रू होता है, टिक लगा दो किसी एक पर, और ये सब का सही जाना चाहिए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सो सिंपल फर्स्ट यानी कि कार्पस लूटियम। ठीक है आपने देखा होगा कि कार्पस लूटियम बनता है उससे प्रोजेस्टेरोन का सिग्रेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यानी कि हमारे जो अंडाणु उससे शुक्राणु नहीं मिल पाते तो ऐसी कंडीशन में इसका कार्पस लूटियम क्या होता है, कार्पस एल्विकेंस में बदल जाता है सफेद संरचना में, और हमारे प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन बंद हो जाता है, सिग्रेशन होना बंद हो जाता है, क्योंकि जब कार्पस लूटियम नहीं रहा तो कहाँ से सिग्रेशन होगा, ऐसी कंडीशन में हमारा जो यूट्रस होता है वहाँ की जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो ब्रेकडाउन होकर वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आने लगती है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आप बोल सकते हो। ठीक है समझ में आ गया, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी किससे आती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से ही आती है, तभी तो आपने देखा होगा कि किसी गर्ल्स को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल MC से बचना है तो वो प्रोजेस्टेरोन की गोलियां खा लेते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है ना, रोकना है कुछ टाइम, 4-5 दिन तक रोक सकते हो इसे, तो प्रोजेस्टेरोन की गोलियां होती है क्योंकि आपका लेवल बना रहता है ना उससे, तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। नेक्स्ट है आपका,
समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। माता के द्वारा शुरुआत के दिनों में अस्त्रावित दूध में पीले रंग का तरल कोलेस्ट्रॉम स्त्रावित होता है, जिसमें बच्चे को स्रवण करने के लिए कौन सी एंटीबॉडीज होती है, IgG, IgE, IgM या फिर IgA? बता दो गाइस इसका राइट ऑप्शन। और एलर्जी के लिए कौन सी होती है, एलर्जी के लिए सिंपल IgE फॉर एलर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर दूध के लिए पूछा है तो कौन सी होती है बताइए। टिक लगा दो, बच्चे को रक्षण करने के लिए कौन सी एंटीबॉडीज होती है, सिंपल IgA, ठीक है। अगर पता नहीं है तो याद रखना पड़ेगा, वीडियो को एक बार और देखना पड़ेगा ताकि आपकी तैयारी और बेटर हो जाए। IgA होती है और देखना, हम वादा करता हूँ आपसे क्वेश्चन भी लेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगला वीडियो पाने के लिए, ताकि आपके एंट्रेंस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी और बेटर हो सके, ठीक है। और ऐसे नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलता रहे। कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पर आपको चाहिए तो लिख देना कमेंट बॉक्स में, और आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, आप बता सकते हो। और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कौन सी बुक आपको परचेज करनी है वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और अधिक MCQ चाहिए तो हमारा GK MCQ JMK चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ओके, धन्यवाद।